हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 70, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय रूट 3, 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 बाय रूट 3 हमारे पास क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करेंगे। अब जो आगे का प्रश्न है वो आसान है क्योंकि हम लोगों ने अब तक ऑलमोस्ट 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले का रिवीजन भी हो चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से बनता चला जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 70, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 3। तो सिंपली यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो क्या है 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आसान फॉर्मूला है जो पहले कई बार रिपीट हो चुका है। ये तो वो होता है क्या, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कई बार ये फॉर्मूला रिपीट हो चुका है जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो सॉल्व इसी फॉर्मूला के बेस पर इसे आप पुट कर सकते हैं। तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 3, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 इनवर्स देखिए क्या है आपके पास, x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय 3, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर 3 इंटू 4, 4 बाय 3, ये ऊपर 4 बाय 3 आ जाएगा, बाय माइनस में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, 2 बाय 3, 2 बाय 3, तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, ये 2 दूना 4, 2 मरतबे कैंसिल होगा। तो क्या आपके पास बचेगा, 10 इनवर्स 2 आपके पास आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, जो आपके पास ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका ये सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो 10 इनवर्स √3 जैसा कि आप जानते हैं, 10 इनवर्स √3 को आप 60 डिग्री बोल सकते हैं या पाई बाय 3 बोल सकते हैं। तो आप इसे पाई बाय 3 लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स, मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ, कॉस इनवर्स यदि माइनस के साथ आ जाए, ठीक है, सेक इनवर्स यदि माइनस के साथ आ जाए, और कॉट इनवर्स यदि माइनस के साथ आ जाए, तो ये जब माइनस जब बाहर आता है तो पाई में सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये होगा क्या, पाई माइनस कॉट कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आपका जब भी कॉस सेक और कॉट होता है, जब इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि माइनस वैल्यू हो तो माइनस वैल्यू बाहर आता है, और वो पूरा एक कॉस का वैल्यू हो या सेक इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, पाई के साथ घटता है, तो यही पाई के साथ घटता है। जबकि साइन टेन और कॉसेक में यदि माइनस हो तो सिर्फ माइनस वैल्यू बाहर आता है, पाई के साथ सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ कॉस सेक और कॉट इनवर्स में पाई के साथ वो सब्सट्रैक्ट होता है। तो देखिए 10 इनवर्स में ये प्लस वैल्यू था, ये तो डायरेक्ट 60 डिग्री हो जाएगा, ये डायरेक्ट 60 डिग्री होगा, लेकिन जब कॉट की बात करेंगे, जब कॉट की बात होगी तो कॉट में माइनस पहले से है और कॉट है, और अंदर में ये माइनस वैल्यू, देखिए आप अंदर क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, पाई के साथ सब्सट्रैक्ट होगा क्या, कॉट इनवर्स √3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पाई बाय 3 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और कॉट इनवर्स √3 क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा, पाई बाय 6 होगा, या फिर इसे आप कॉट इनवर्स को 10 में जैसे ही बदलेंगे, तो 10 इनवर्स √3 हो जाएगा, तो इसे आप 1 बाय √3, या फिर आप कॉट इनवर्स √3 को डायरेक्ट 30 डिग्री बोल सकते हैं, जो पाई बाय 6 होता है, तो पाई बाय ये 6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। तो एलसीएम देख लीजिए क्या आएगा,
एलसीएम तो सिंपली 6 आएगा और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा क्या, ये 3 पाई माइनस 6 पाई तो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 6 तो आपका होगा माइनस पाई बाय 2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है माइनस पाई बाय 2, पहला ऑप्शन ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 72, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल 2। तो ये क्या है, बहुत आसान इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं है कि कॉस इनवर्स के साथ देखिए 2x है और साइन इनवर्स के साथ भी 2x है। इसका मतलब यदि साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू हो कॉस इनवर्स के साथ भी वही वैल्यू हो तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू यहाँ है इनवर्स फंक्शन साइन के साथ कॉस इनवर्स के साथ वही वैल्यू है। सिमिलरली देखिए साइन पर 2x है और कॉस इनवर्स के साथ भी 2x है लेकिन दोनों वैल्यू सेम है इसीलिए ये पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह सिर्फ 2x है, एक्स की जगह 2x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही आया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा क्या, पाई बाय 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 72